everyone, press the bell icon on the YouTube app and never miss any update from IWM Buzz. और हम लोग अभी बहुत मस्ती करेंगे और इफ्तार पार्टी खोलेंगे IWM बस के साथ। मरियम, कैसी रही आपकी इफ्तार पार्टी? काफ़ी कुछ था खाने को, क्या क्या खाया आपने, कितना मज़ा आया? मैंने बहुत कुछ खाया, स्पेशली लीची खाई और बहुत मज़ा आया। लीची खा के, मैंगो खा के, पपाया खा के, सब कुछ खा लिया। ओके, और आप सबको खिला भी रही थी तो काफ़ी? सबको मैं पपाया खिला रही थी। पपाया एनर्जी के लिए, मतलब हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। सेट के बीच में आपको फ्री टाइम मिलता हो ऐसा, तो वो काफ़ी रेयर होता है। तो आपकी पहली इफ्तार पार्टी थी तो काफ़ी मज़ा अलग ही था उसमें। बहुत मजा आया, फर्स्ट टाइम इफ्तारी करी है मैंने। फेवरेट डिश कौन सी थी उसमें? लीची 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 लीची। अपार्ट फ्रॉम लीची मैंगो। एंड आपका जो आउटफिट है आज काफ़ी ट्रेडिशनल है एकदम। मैंने धोती पहनी है, बैलीज पहनी है, चूड़ियाँ पहनी है, सलवार कमीज पहनी है, क्लोचर्स लगाए हैं, सारी चोटी करी है। बहुत अच्छी मैंने लीची तोड़ के खाई थी और मैंने बहुत सारे आम खाए और ये जो मैं लीचूस खा रहा हूँ। मुझे समोसा, आम, लीची तीनों पसंद है। मेरे तो इफ्तार पार्टी का मज़ा ही अलग है। तो क्या कहेंगे, व्हाट आर योर थॉट्स? माय थॉट्स, दे जस्ट डायरेक्टेड टू फूड राइट नाउ। रोज़ा खोल रहे हैं हम लोग। गाइस, यू आर कैचिंग अस एक्चुअली रोज़ा इफ्तार ऑन द सेट्स ऑफ मरियम खान रिपोर्टिंग लाइव एंड वी आर एक्चुअली रियली हैविंग अ बॉल। Let me tell you, I belong to the enemy camp, but these guys are very nice, they're very sweet to me. Today they invited me. आज मरियम की और यू नो रोज़ा खुशाई है। इसमें शायद मेरे बेटा जो छोटा प्ले करता है, नन है, उसकी भी रोज़ा खुशाई हुई है। एंड रोज़ा खुशाई इज़ व्हेन द चिल्ड्रन कीप द रोज़ा फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट इज द फास्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ सॉन्ग्स। सो आज वही देख रहे हैं आप। माहौल में खुशहाली है एंड वी आर एंजॉइंग आवरसेल्व्स। यू नो व्हाट हैपेंड, ये जैन ये हमेशा लेट होता है और आज भी लेट हुआ। मुझे पता था ये लेट ही होने वाला है। जैन, जल्दी करो, अब सारे लेफ्ट ओवर तुम्हें खाने पड़ेगा। हाँ चलो, वो भी है, लेकिन अब सारा जो लेफ्ट ओवर है बस वही तुम्हें खाना पड़ेगा। बहुत काम है मेरे। आई लव यू, आई लव यू। ओके, आपकी फेवरेट डिश कौन सी है यहाँ पर? अनडाउटेडली चिकन। दुनिया का वेज वहाँ रख दो एक तरफ, नॉन वेज आई एम ऑलवेज देयर फॉर नॉन वेज। तुमने देखा, इसलिए मैंने पहले ये ला के रखा, सारे फ्रूट्स हटा दिए। रमज़ान हो और इफ्तार पार्टी हो जाए तो क्या बात। कैसी रही इफ्तार पार्टी आपकी आज? आप देख ही रहे हैं, लाविश है, ज़बरदस्त इफ्तार पार्टी है। पूरी फैमिली के साथ एक साथ मिलकर रोज़ा खोले हमने तो, और हर सीजनल फूड और जो फ्रूट सीज़न है नहीं है सब था, अदरवाइज़ लेकिन सबके साथ मिल बैठ के रोज़ा करने का मज़ा ही कुछ और होगा। जहाँ तक हम देख रहे थे आप काफ़ी तकल्लुफ़ कर रहे थे, खा नहीं रहे थे बराबर से। आप लोग सब सामने कैमरा लेके खड़े हैं, मैं कहाँ से खाऊँगा, लिहाज करना पड़ता है। ओके आपकी फेवरेट डिश कौन सी थी यहाँ पे जो आपको सबसे अच्छा लगा? जामुन मेरे फेवरेट है और आम। आई लाइक जामुन एंड आम सीजन। ओके उसके अलावा खजूर सबसे इम्पोर्टेंट, रोज़ा आप जब खोलते हैं खजूर से खोलते हैं। घर में फैमिली के साथ इफ्तार करने का टाइम मिलता है आपको रोज़े? जैसे कि फैमिली के साथ इफ्तार करने का भी मज़ा अलग होता है, घर में तरह तरह की चीज़ें बनानी है, रोज़ा फरमाइश कर कैसे बना सकते हैं। यहाँ यू गेट व्हाट यू सर्व, बट सबके साथ काम कर करके ऐसा लगा कि ये भी फैमिली हो चुकी है हमारी, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं फैमिली मिस कर रहा हूँ, सबके साथ रोज़ा करने में मज़ा आ रहा है। ईद भी काफ़ी जल्द आने वाली है, तो ईद की शॉपिंग वगैरह हो गई या अभी बाकी है? यहाँ से छुट्टी मिलेगी तो शॉपिंग करूँगा, लेकिन आज जा रहा हूँ। ओके आज शॉपिंग में? आज शॉपिंग का मूड है, तो रात में 9 बजे के बाद आई गो फॉर शॉपिंग। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। हैव अ वंडरफुल ईद एंड अ ग्रेट ईयर अहेड। एंजॉय योरसेल्फ। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम।